I will discuss about nitrogen fixation. जो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है, जो कि मतलब बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है। इसको ब्रेक करने के लिए प्लांट के पास कोई भी ऐसा सफिशियंट एंजाइम अवेलेबल नहीं होता है जो इसको ब्रेक कर पाए और प्लांट इसको कंज्यूम कर पाए, तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है, दो तरह से होता है, इसको हम एक टेबल के रूप में समझेंगे। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये दो तरह से होता है, एक आपका नेचुरल होता है और एक इंडस्ट्रियल होता है। इंडस्ट्रियल में जनरली क्या होता है, टर्बाइन जो फर्टिलाइजर में घूमते रहते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, उसी के इन्फ्लुएंस से ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और ये नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि यूरिया वगैरह होता है जो NH2CO फॉर्मूला होता है, फाइनली प्लांट उसको कंज्यूम कर पाते हैं। नेचुरल वाले की बात कर लेते हैं, नेचुरल वाले भी दो तरह के होते हैं, एक बायोलॉजिकल होता है एक नॉन बायोलॉजिकल होता है। नॉन बायोलॉजिकल में क्या बात होता है, नॉन बायोलॉजिकल में जो लाइटिंग होती है, थंडरिंग होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसके इन्फ्लुएंस से बॉन्ड टूटता है और वो नाइट्रोजन कंज्यूमर फॉर्म में आ जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसा क्यों है, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी के थ्रू होता है तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्यों होता है, क्योंकि इसको जो रेगुलेट करने वाले निप जीन होते हैं, वो निप जीन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड में ही प्रेजेंस करते हैं और वो प्लाज्मिड या वो प्रोकैरियोट इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो अब ऐसा क्यों, जो प्रोकैरियोट है वो दो तरह से होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन वाले होंगे। तो वो अब एक चीज और हम जानेंगे कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली एंजाइम है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि दो चीजों का कम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजिनेज ऑक्सीडेज और नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, वो वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एबिलिटी में वो कभी एक्टिव होगी ही नहीं, उसके लिए कंडीशन विल बी एनएरोबिक, यानी जब भी एनएरोबिक कंडीशन होगा तभी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो इसके लिए हमें कंडीशन एनएरोबिक की चाहिए। अब एनएरोबिक कैसे होगा, प्रोकैरियोट्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, या तो एरोबिक होंगे या एनएरोबिक होंगे। तो एरोबिक